हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एहतिशाम व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं घाना वेस्ट अफ्रीका में हूं और ये वेस्ट अफ्रीका का जेल है। अभी मैं इंटर किया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काल कोठरी है। इसके अंदर दिखाता हूं मैं आपको कि कितना छोटा सा है, इसमें कैसे बेचारे कैदी रहते होंगे। देख रहे हैं इतना छोटा सा है ये, और यहाँ पर छोटी सी खिड़की लगी हुई है। यहाँ दिखाइए, देखो इतनी छोटी सी है और एक यहाँ पर है। यहाँ खिड़की, इसका रॉड जो अंदर है ये सड़ चुका है। इसमें तीन थे जिसमें से एक है और दो ख़राब हो चुके हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे और हम आगे चलेंगे, और ये दूसरा है। इसके अंदर भी कुछ खास नहीं, खाली एक छोटा सा कमरा है, और आगे चलेंगे। बाहर हम, बहुत ही बड़ी जेल है ये, वेस्ट अफ्रीका के घाना की सबसे बड़ी जेल है। अंग्रेज़ों ने बनवाए थे इसे। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। ये देख सकते हैं गाइस, ये इतना पुराना हो चुका है कि यहाँ की ईंट देख लो, पूरी गैप हो चुकी है यहाँ पर आ चुका है। अब हम अंदर चलेंगे। ये देख सकते हैं ये सीन है यहाँ का, और हम अंदर जाएंगे और यहाँ दिखाएंगे आपको। अब आ गया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर। ये देखिए, ये काल कोठरी है। यहाँ पर इतना छोटा सा रूम है, देख सकते हैं, बहुत छोटा काल कोठरी है, बहुत छोटा सा है ये। इसमें इंसान अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। अंदर दिखाओ, अच्छे से इंसान खड़ा नहीं हो सकता, इतना छोटा सा ये देख लीजिए। बहुत मुश्किलों से इसके अंदर रहते थे लोग। और हम लेके चलते हैं आपको बाहर की तरफ। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर करके देखते हैं क्या है, ये क्या चीज़ है पता नहीं, देख सकते जाएगा। और इस तरफ हम आगे चलेंगे, देखते हैं इस तरफ क्या है। देखो लोग फ़ोटो ऐसे निकाल रहे हैं और डर नहीं रहे कि वो पीछे ना कहीं गिर जाए। ये फ़ोटो निकालने का क्रेज है, देख सकते हैं आप गाइस। आगे हम चलेंगे, देखेंगे क्या है गाइस। अब हम सेकंड फ्लोर पे चलेंगे, चल के देखते हैं ऊपर क्या चीज़ है। ये फर्स्ट फ्लोर पर तो सारा जेल ही था, सेकेंड पर देखते हैं क्या चीज़ है। ये उस वक्त का जेल बना हुआ है, देख सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का सीढ़ी है, आज भी पूरी तरीके से मजबूत है। देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से है ये मजबूत। जैसे गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर एक जेल रूम बना हुआ है। यहाँ पर जो है, यहाँ एक खिड़की, यहाँ एक खिड़की, यहाँ एक खिड़की, और कोई भी इसमें लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम काल कोठरी है। देख सकते हैं गाइस, इसमें तो चार खिड़की लगी हुई है, ये तो काफी ठंडी हवा आ रही है। ये देख सकते हैं सामने समंदर, कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, देख सकते हैं गाइस। समंदर की आवाज़, ठंडी हवाएं, काफ़ी जो जेल में कैदी होते होंगे उनको रिलीफ मिलता होगा इस हवा और ये समंदर का किनारा है, साहिल है। लेकिन इंसान की जो तकलीफ़ें होती हैं जेल में वो कोई बता नहीं सकता है। फिर भी यहाँ पर समंदर है बगल में और ये जेल है, तो कुछ तो ठंडी हवाएं आती होंगी। ये पानी की लहरों को देख कर, यहाँ तन्हाइयों में बैठ कर, कुछ तो सुकून और रिलीफ मिलता होगा इनके दिल को। जैसे आप देख सकते हैं बहुत प्यारी हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। अगर जो उस वक्त मैं फील कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई बैठता होगा कैदी अकेला बेचारा बैठ के इस तरीके से देखता होगा, तो शायद उसके दिल कट जाते होंगे। आप जैसे नीचे देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि
पुराने वक्त की जो जेल होते थे उसके आगे की तरफ खंडक खोदा जाता था और इसमें पानी डाला जाता था। इसमें पानी डालने से क्या होता था कि कोई भी कैदी निकल के भाग नहीं सकता है बाहर, इस खंडक में गिर जाएगा, तैरता रहेगा, उसको जाके पुलिस पकड़ के फिर से ला के उसको जेल में डाल दिया करेगी। आप देख सकते हैं जैसे ये फर्स्ट है, ये बना हुआ है खंडक, उसके आगे एक और है, रास्ता बीच में है, उसके आगे एक और खंडक बनाया गया है, उसमें पानी रहेगा, इसमें भी पानी रहेगा दोनों तरफ, कि इसमें से अगर जो तैर के निकल जाता है डिवाइडर क्रॉस करके तो दूसरे में पानी में गिर जाएगा तो वो भाग नहीं सकता, फिर इस वजह से बनाया गया इस चीज़ को। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और नीचे चलते हैं। और यहाँ पर जो है हम अंदर आए और यहाँ पर लाइब्रेरी देखे, यहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी जेल के रिलेटेड, जेल पहले कैसा था, क्या था, पूरा इतिहास है यहाँ पर। तो हमने बात किया, बात करने से पता चला कि ये जेल 400 साल पुरानी है और अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हुई थी जेल, और यहाँ पर यहाँ के लोग को कैद किया जाता था, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। तो हम यहाँ पर बात किए, पूरी जानकारी लिए, जानकारी लेने के बाद में हम लोग यहाँ से बाहर निकले। यहाँ जैसे देख सकते हैं कितना हाइट पर है ऊपर जेल, हम यहाँ से चढ़कर ऊपर गए और ऊपर की तरफ हम जाने के बाद में यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और हम आगे आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है। ये देखिए यहाँ पे रॉड लगा है कि कोई निकल के जा ना सके, और कितने मोटे मोटे रॉड हैं देख सकते हैं आप। इस तरफ हम जाएंगे, मूव करेंगे, देखते हैं यहाँ क्या है। ये तोप पूरा काफ़ी जंग पकड़ लिया है, देख सकते हैं ये पूरा जंग पकड़ लिया है। इसको किस तरीके से ऊपर चढ़ाए होंगे, इतना ज़्यादा वेट है इसका। उस वक्त ना क्रेन था ना कुछ था, कोई इक्विपमेंट नहीं था, आदमी और हाथी होते थे, आदमी से या हाथी से हेल्प लिया जाता था। देख सकते हैं गाइस कितना पतला सा हो गया है पूरा जंग पकड़ के। अरे इसका टायर देखिए, ये लकड़ी का है इसलिए अभी तक सड़ा नहीं, एक सड़ के ख़त्म हो गया, दूसरा वाला सड़ा नहीं। और इस तरफ है चार, देख सकते हैं इस तरफ, ये हो गया, इस तरफ हो गया, और ऊपर की तरफ भी है कालकोठरी। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ से रास्ता अंदर की तरफ एक कमरा जैसा दिख रहा है और हम इसके अंदर गए और यहाँ पर ये चीज़ क्या है सामने, ये समझ में नहीं आ रहा था हमें कि क्या चीज़ है। जब इसके अंदर हम घुसे और झांक कर देखे अंदर जाके और तो पता चला कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पर क्या है कि ठंडी के दिनों में जब ठंडी लगती थी, सर्दी होती थी, तो उस वक्त में जो है यहाँ पर नीचे आग जलाया जाता था और ऊपर की तरफ जैसे देख रहे हैं कि उजाला है, उस तरफ से जो है धुआं निकलता था और यहाँ नीचे की तरफ आग जलाई जाती थी कि ताकि थोड़ा गर्म रहे ये रूम। उसके बाद में फिर हम दोस्तों आगे निकले और आगे निकलने के बाद में हम देखे कि एक रूम और मिला और यहाँ पर भी सेम चीज़ वही चीज़ था कि नीचे आग जलाया जाता था और ऊपर की तरफ जो है धुआं निकलने के लिए रास्ता बना हुआ था। जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से नीचे उतर रहे थे तो काफ़ी डर लग रहा था, डरावना जैसा माहौल था क्योंकि यहाँ पर कोई था नहीं और अंधेरा जैसा था। गाइस जैसे देख सकते हैं ये कोड है जेल के अंदर और यहीं पर केस चलता था लोगों का, जेल के अंदर ही, और यही सज़ा सुनाई जाती थी। अब इसके नीचे हम लोग उतरेंगे और उतर के देखते हैं कि नीचे क्या चीज़ है। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बाहर से तो छोटा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि देखने लायक ही हैं। गाइस जब यहाँ से हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में
हम एक खास चीज़ देखें जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इस जेल के बाहर साइड में एक तरफ एक बहुत बड़ी दुकान थी, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें मिल रही थी, बिक रही थी। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे उस चीज़ को, देख सकते हैं जैसे कि आप गैस, बहुत सारा सामान यहाँ का जेल का ऐतिहासिक चीज़, और यहाँ का जो है अफ्रीकन बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर ढोल भी देख सकते हैं आप, छोटे छोटे तबले ढोल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिक रही थी। हमने देखा है, देखो जैसे देख सकते हैं आप, नारियल का ढक्कन है, ये ओरिजिनल नारियल का ढक्कन है, इसको जो है पर्स जैसा एक बनाया गया है। हम इसको देख कर और गाइस हम यहाँ से रिटर्न निकले। गाइस जैसे कि हमारा ब्लॉग देखे आप, हम यही अपना ब्लॉग को एंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर आपसे मिलेंगे। गाइस हमारा ब्लॉग कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जो हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।